नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करछु मु स्वप्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे नयागढ़ रे न्याय मिलिलानी राजधानी रे निया विधानसभा सम्मुखरे किरोसिनी ढाली परी बापा मां को आत्महत्या उद्यम कहिले मंत्री अरुण साहू को इशारा रे परी को मारिछु बाबुली नायक परिवार रो मुह बंद पे 5 लाख टंका ऑफर देतला पुलिस विधानसभा रे परी ताती विरोधी को होहल्ला परे वाचस्पति को रूलिंग आज गृह रे जवाब रखिबे गृह राष्ट्र मंत्री दिव्य शंकर मिश्र मंत्री अरुण साहू को इस्तीफा दाबी करले विरोधी बड़क पचर कोविड मिछ सरकार रिपोर्ट गत 8 मासरे नॉन कोविड रे मल्ले 1,41,000 विरोधी कहले मृत्युर सत लुचाइवा को नॉन कोविड रो सहारा हाजत मृत्यु घटना रे पुरी रे डाक्टर पुलिस नेक्सर रो पर्दा फास्ट टॉर्चर रूम रो सत लुचाइवा को मिछ रिपोर्ट देथिले डाक्टर डीआईजी आशीष सिंह कहले कोर्ट को निर्देश अनुसार चलिछि तदंत भुवनेश्वर जमतारा गैंग राजधानी हेउछि साइबर क्राइम ऑपरेट गुड़गांव मीरठ भरतपुर और मथुरा रूबी करा जाउछि अकाउंट हैक जातीय गणमाध्यम बड़ खुलासा डिसेंबर रे खोली पारे श्रीमंदिर एसओपी नहीं छतीसा निजोग और सेवायतों सह श्रीमंदिर प्रशासन आलोचना विधानसभा विरोधी दाबी मंदिर न खोलिबा को जीविका बाधाप्राप्त बीजेडी जवाब स्थिति देखि नियाजबो निष्पत्ति एवं आज संध्या लैंडफोन कर बात्या निवार ओडिशा उपरे नहीं सीधा प्रभाव दक्षिण ओडिशा किछि स्थान रे स्वल्प रु मध्यम धरणर वर्षा 27 रु खसिबो पारद बढ़िबो जाड़ एथर संपूर्ण खबर परी मृत्यु को नहीं राजधानी रे निया विधानसभा आगे आत्माहुति उद्यम करिछंती परीर बापा मां मंत्री अरुण साहू को नारे आनिछंती संगीन अभियोग मंत्री तांको लोकंकु कहिछंती गुंडा लगाई परीर हत्या करिछंती एभली संगीन आरोप सत्वे चुप मंत्री अरुण साहू नयागढ़ एसपी मध्य घटना को नहीं मुह खोलु नहंती राजधानी रे निया परी मां सौदामिनी संगीन अभियोग मो झी को गुंडा लगाई मारिदेले मंत्री अरुण साहू बाबुली नायक को लगाई मारिदेले बारंबार मंत्री अरुण साहू और बाबुली नायक रा ना ने परिंक मां सौदामिनी साहू बाबुली नायक ही हत्या करथिबा कहउछंती परिंक मां बड़ प्रश्न किए से ही बाबुली नायक काहेकि एबे जाय बाबुली नायक को सुरक्षा देउछि पुलिस नयागढ़ पुलिस निराश कला परे आज विधानसभा आगे आत्माहुति उद्यम करिछंती परीर बापा मां समय प्राय 11 विधानसभा आगे पहुंची परीर बापा मां सांगर थिला किरोसिन भत्ती बोतल और टियासी कहीं किछि कहिबा आगरु मुंड उपरे किरोसिन ढाली चली थिले परीर बापा मां ए समय पाखरे थिबा पुलिस कर्मचारी से मानंकु काबू करि नैथिले आ परीर मां बारंबार चित्कार करि कहुथिले पूरा घटना पछरे मंत्री अरुण साहू का चाप जगु काम करूनी पुलिस आगको बढ़ी पारूनी तदंत सबठो संगीन अभियोग हेउछि मामला को पूरा रफा दफा करबा को प्रयास करथिला पुलिस हत्या मामला को चपाई देबा को रचा जाय थिला षडयंत्र
एथिपाई परीर परिवार को 5 लाख टंका रा ऑफर देथिला पुलिस कहले तमे तम भावजना दियो आ प्रकृत ताना देले आमे ताको धरिबो आ आसामीटा धरा हले तमको 5 लाख टंका गवर्नमेंट रु मिलियो आ सेही 5 लाख रे स्टैचू करियो स्कूल भितरे आ गोटे फंड कर दबो आ से प्राइज बले साल ताको प्राइज देबे पिला मानको जागु जेंदी पूरा प्रसंग को देखिले नयागढ़ पुलिस कार्यकलाप संदेह घर को आसुची मामला को चपाई देवाकु प्रथमे पुलिस तदंतरे शिथिलता यापर घरे पशि परीर बापा बांको उपरे आक्रमण पुणी तापर पुलिस लोभनीय अफर परी परिवार मुह चुप करने को लगी पूरा पुलिस प्रशासन कहा चापर पुलिस परी मामला को चपाई देवा चेष्टा कर बारंबार मंत्री अरुण साहू का ना सामना को आसुवा बेले कहीं मुह खोलुना मंत्री अरुण साहू का अनुगत बाबुली नायक को सुरक्षा देवा चेष्टा करूना तो नयगढ़ एसपी ये कौन नयगढ़ पुलिस फैक्ट आधारित तदंत परी बापा मनी डील करा किए आरंभ ही परी हत्या को हालका भाव नहीं पुलिस शुणु कौन कहते अतिरिक्त एसपी गणमाध्यम मुह खोल फसाई देवा पुलिस धमक थर को थर हो आक्रमण घरे जीवन दुर्विषह होता बेले संपर्क घरे रही उठाई ने पुलिस अभियुक्त खोलारे बुलुवा बेले थरकु थर परीर बापा माँ को पुलिस उठाई नेबार अर्थ कौन खाइबा पीवा को नदे दिन सारा थाना बसाई रखिबार अर्थ कौन उत्तर रखिबे कि नयगढ़ एसपी प्रत्युष दिवाकर 5 वर्षर झीर हत्या पुलिस पाई संवेदनशील प्रसंग नुहे कि मीडिया सामना को कहीं आसुना नयगढ़ एसपी कहीं चुप मंत्री अरुण साहू परी प्रसंगे न्याय देवा प्रतिश्रुति देवे कि गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांति नयगढ़ शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज परी मृत्यु प्रसंगे विधानसभा बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र रूलिंग परी मृत्यु और बापा माँ आत्महत्या उद्यम प्रसंगे रूलिंग बाचस्पति कहिछन्ति जे विरोधी दल चारोटी प्रसंग उठाइछन्ति बापा मां सुरक्षा बलय भेद करी विधानसभा सम्मुख को आछन्ति डीजल धरी सेमाने आत्महत्या उद्यम करिछन्ति नयागढ़ रे 3 मास हेला मामला होईछि जिल्लार जणे मंत्री को नारे अभिजोग आछि गृह राष्ट्रमंत्री गृह रे सबु सुनिछन्ति चारोटी घटना रे आज विस्तृत उत्तर देबाकु मंत्री को निर्देश दैछन्ति बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र कोविड मृत्यु को नहीं पुणी मिछ विधानसभा सरकार हिसाब नॉन कोविड रे राज्य रे मृत्यु संख्या 141,000 गत 8 मास रे एते संख्या रे केमिति मृत्यु हला ताकु नहीं प्रश्न करिछंती विरोधी गोटिए पटे सरकार स्वास्थ्य सेवा ठीक चलिथिबा कहि बाहाबाह नेउथबा बेले नॉन कोविड रोगी को एते संख्या रे मृत्यु को नहीं सृष्टि होईछि प्रश्नवाची मडक पछर कोविड मिछ सरकारी रिपोर्ट रे महामारी मृत्यु रो मिछ तथ्य 8 मासरे नॉन कोविड रोगी को मृत्यु संख्या 141,000 अप्रैल रु अक्टोबर मध्यरे लक्षाधिक लोकों मृत्यु विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट को नहीं सरकार को घेरी विरोधी विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक कहते सरकार नॉन कोविड मृत्यु रिपोर्ट को नहीं स्पष्ट हो राज्य में केमी चली स्वास्थ्य सेवा नॉन कोविड रोगी को सठिक सेवा न मिलवर एत संख्य रोगी मृत्यु होता विरोधी दल नेता सेपरी कांग्रेस कहिछि सरकार जे 141,874 लोकंकर मृत्यु रिपोर्ट दैछन्ति सेमाने समस्ते कोविड रे ही मृत्युवरण करछन्ति सेपडे नॉन कोविड रोगी चिकित्सा अवहेलार शिकार होइतिबा स्वीकार करछन्ति बीजेडी विधायक साधारण लोक कोविड संक्रमित नथिबा लोकंकु भी कोनोसी डाक्टर देखिले नाही छुइले नाही मेडिसिन दुरु देखिकि लेखिबा कारणरु सेमानको प्रति सेवा न देइथिबा कारणरु 8 मास भितरे राज्य रे नॉन कोविड लोक 141,874 लोक मरीवा कथा सरकार स्वीकार करछन्ति तेणु सरकार स्वास्थ्य प्रति केते जत्नवान यूँ आपण मैने
लक्ष्य करिवार आवश्यकता अछि। जनरली एमाने समस्त कोविड रे मरिछन्ती, किंतु राज्य सरकार आज जो उत्तर रत्नी माननीय मंत्री लक्षाधिक कथा कहिछन्ती, ये सब अण कोविड रे मरिछन्ती बोली कहिछन्ती, से प्रमाण भूल। समस्त कोविड रे मरिछन्ती एटा राज्य सरकार मानिबाक पड़ी। अनेक प्राइवेट नर्सिंग होम मध्ये बंद हो जाइछि कोविड रो कटकणा भितरे, तेणु अण कोविड पेसेंट जो माने सेमाने टिके असुविधा होइछन्ती निश्चित भावरे, किंतु सेमाने जे सरकारी हॉस्पिटल रे सेमानकर कोनोसी असुविधा हबार आमे देखिनु, सेमानको तांक पय स्वतंत्र भाव रे अलगा व्यवस्था करा हिचे सरकारी हॉस्पिटल रे, सेमानकर जेमति अटेंड करिवा कथा डाक्टर माने करचोंती, जेमति सेवा पाइबा कथा से पाउचोंती। अक्टोबर मासरे आमे आपनकु देखाइथिलु केमिति कोविड मृत्यु को नै मिच्छ कहिथिले सरकार। कोविड मृत्यु को नै डैशबोर्ड रे थिला गोटिए तथ्य, बालेश्वर मुक्ति द्वार कर्मचारी देथिले आउ गोटिए तथ्य। कोविड डैशबोर्ड रे बालेश्वर रे अक्टोबर 18 तारीख सुधा मृत्यु संख्या 62 थिबा बेले मुक्ति द्वार कर्मचारी का रिपोर्ट थिला 199। आउ थरे सुनंतु कोन कहथिले अरुण कुमार कर। 186 आज ही होउ जितिन 189 केते पुरा 189 ते सब 189 सनातन धर्मालंबी তার ভিতরে ইসাই বালা বিগত যাই মহম্মদ বালা যেটি যা কথা যাই মো পাখে 189। কোভিড মৃত্যুর মিছ রহস্য পদারে পড়া পরে হয়েছিল তুম্বি তুফান, কিন্তু হিসাব কু হেরফের করে পুনি রাখিছেন চাঞ্চল্যকর তথ্য। খালি মৃত্যু তথ্য নুহে করোনা চিকিৎসা খরচর হিসাব রাখিছেন রাজ্য সরকার। 23 জেলার আসিথিবা তথ্য অনুসারে কোভিড চিকিৎসা পাই সরকার এবে সুধা 223,87,81,000 টাকা খরচ করছেন। ভুবনেশ্বরের দিব্যজ্যোতি মহান্তিক রিপোর্ট, অর্গস নিউজ। পিপিলি থানার 5 অভিযুক্ত অমানবীয় আচরণ, অর্গস হাতের লাগিছি এক্সক্লুসিভ এভিডেন্স, যা দেখিলে সন্দেহ বড়ুচি। পুলিশ অভিযুক্ত পিটিছি, নিস্তুক পিটিছি। আর সবুঠ বড় প্রশ্ন এই মামলার, পুলিশর সাথী পাল্টিলে কি পিপিলি ডাক্তার? কারণ পিপিলি ডাক্তারখানার কী অভিযুক্ত চিকিৎসা করাগলানি, না পুলিশ পাই মিছ রিপোর্ট দিয়ে ডিউটিতে থাকা ডাক্তার? পিপিলি হাজতর অত্যাচার, পুলিশ সহ ডাক্তারক ভূমিকা কু নেই মধ্য সন্দেহ। ভাল করে দেখুন এই সিসিটিভি ফুটেজ কু। দৃশ্য নম্বর 1, সময় দিন 11:18, পিপিলি ডাক্তারখানা পরিসরে লাগিলা পিপিলি পুলিশর ভ্যান। 15 মিনিট কাল গাড়ি কে ওহ্লাইলে। সময় দিন 11:33, ভ্যানর ডোর খুলিলা ও 5 জন অভিযুক্ত নিগলা ডাক্তারখানা ভিতর। 15 মিনিট ডাক্তারখানা ভিতরে রহবা পরে 11:38 পুঁ সেই 5 জনক নেই বাহারি আসিলা ডাক্তারখানার। দৃশ্য নম্বর 2, সময় অপরাহ্ন 12:03, পুঁ থে সমান পুলিশ জিপ্রে আসলে 2 অভিযুক্ত। পুলিশ হেফাজতে থাই অভিযুক্ত জনক ছোটাই ছোটাই চালুথিবা স্পষ্ট জনাপড়ছে ফুটেজে। 8 মিনিট রই অপরাহ্ন 12:11 ডাক্তারখানার বাহিগলে। দৃশ্য নম্বর 3, অপরাহ্ন 2:27, পুলিশ ভ্যানে ডাক্তারখানাকে প্রবেশ কলে পিপিলি আইআইসি গৌরাঙ্গ চরণ পৃষ্টি। তাঁকু ডাক্তারখানায় ছাড়িদে 2:49 গাড়ি ফেরিগলা। আইআইসি আনবাক 2:58 ডাক্তারখানাকে গড়লা গাড়ি। অপরাহ্ন 3টায় ডাক্তারখানার বাহারে পিপিলি আইআইসি। গত 19 নভেম্বর দিন 11:00-3 পর্যন্ত পিপিলি থানা ও ডাক্তারখানার গহলি। এটি প্রশ্ন উঠুছি, গুরুতর আহত অভিযুক্ত ডাক্তারখানায় রাখা পরামর্শ দিয়েছিল কি ডাক্তার? কী ডাক্তারখানা যাইলে আইআইসি? গুরুতর অভিযুক্ত তরবরিয়া ভাবে কোর্ট চালাণ পাই বদলা যাই কি ডাক্তারি রিপোর্ট? 19 তারিখে ডিউটিতে থাকা ডাক্তার ও আইআইসি কি কথাবার্তা হল? এমিতি কোণ কথাবার্তা হল যে সংকটাপন্ন 5 জনক ডাক্তারখানায় রাখলে ডিউটিতে থাকা ডাক্তার, যাহু নিমাপড়া সবজেল বি রাখলে, কিন্তু নিমাপড়া ডাক্তারখানা অভিযুক্ত গুরুতর দর্শাই এসিবি কু পঠাইলে। এসিবি রে 3টি বিভাগ ডাক্তারক মিলিত টিম চিকিৎসা করছি। পিপিলি ডাক্তারখানায় সেমানকু রখা যায় চিকিৎসা কাহিকি করা যাই নথিলা? পিপিলি রু দুর্গা মাধব পরিডাঙ্গ রিপোর্ট, অর্গস নিউজ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀକୁ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର କ୍ରାଇମର ମୁଖ୍ୟ ହବ୍। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜମତାରାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହର ପରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହ ରାଜଧାନୀରୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀରୁ ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅପରେଟ। ଗୁଡଗାଓଁ, ମିରଟ, ଭରତପୁର ଓ ମଥୁରାରୁ ବି କରାଯାଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍।
जातीय गणमाध्यम बड़ खुलासा राजधानी भुवनेश्वर एवं साइबर ठकों पलटि सेफ जोन केवल भुवनेश्वर नुहे गुड़गांव मीरट भरतपुर मथुरा और आसानसोल एटीएम और बैंक आकाउंट हैक दिनक दिन राज्य में साइबर क्राइम बढ़ुवा नहीं जातीय गणमाध्यम प्रकाशित एमती किसी तथ्य एवं चांचल्य सृष्टि कर भुवनेश्वर युवक को ट्राक करने साइबर अपराध विषय ट्रेनिंग देमतारा ग्यांग एथपाई से अधिक अर्थ सह चाकरीर प्रलोभन देखा जामतारा है भारत साइबर क्राइम हब से जिते प्रकार साइबर क्राइम भारत हुए तार 80% से हुए जामतारा फ्रॉड मैंने ओडिया मानक भी बर्तमान आम ओडिया पिला भी ट्रेनिंग दूसरे ट्रेनिंग दे बहुत गुडिया पिला को ओडिसा रे ऑपरेट करिवो छाड़िले ये रिपोर्ट अनुसार से कौन करना ओडिया जो पिला बर्तमान से फ्रॉड करेंगे से कौन करेंगे ना आमको आम एक लोकल इंटेलिजेंस ने से देखिए जे को सेलिब्रिटी फेसबुक अकाउंट फॉलोअर अच्छा कौटा को हैक कले कौन क्लोन आईडी से भाया कले पेमेंट मांगिपारे आगुरी कौन हिंदी पैसा मांगुले जो ओडिया पिला भी इनवल्व है ओडिया पैसा मांगे आमको जना पड़े जो भाव जो हाँ ओडिशा रो ठीक लोक पैसा मांगू बोली कौ रेस्टोरेंट भल चलू कौ दुकान भल चलू तार फेसबुक गोटे करेंगे होटेल प्रिया रही है सेमती जो जो ओडिया पिला भी इनवल्व है आम मान को आधिक सतर्क रहा पड़ो रांची साइबर सेल रो रिपोर्ट अनुसार से माने जामतारा फ्रॉड माने ओडिशा को सब बेसी लुटिंट बहुत क्राइम नंबर वन से माने ओडिशा को भी टारगेट रखते यार सॉल्यूशन हला अपन जेते बेले के कॉल करू छी बाहर बैंक रो कहू छी कि मा लोन देबो कहू छी कि क्रेडिट कार्ड देबो ऑफर दोउ छी बाहर अचिना लोक सहित कथा हो जा करेंगे बैंक लोकल बैंक को जी कथबार्ता कि पाखु देखले ही सहित जहाँ डिल करता करूँ जी अचिना लोक फोन करता ही हवा कथ नु आउ भी गोटे देखो जदि से किए कहते ओटीपी दिखु कि मोबाइल आप लोड करूँ से आप भी लोड करें कि क्या शुणा कथा नु आप मानते से भाया कल आसो मानते ट्रु कलर भी रखी थे तो प्राय जना पड़ी तथापि जना न पड़ू भी आपत कथा हूँ झारखंड एक जिलार ना हो जमतारा यह जिलार कर्मतांड और नारायणपुर दुईट अंचल मुख्यतः साइबर क्राइम ऑपरेट होता है सकाल हेले युवक मैंने मोबाइल फोन नहीं घर बाहरी जाती सुनसान अंचल एकाकी बसी करती फोन कल बैंक कर्मचारी परिचय दे एटीएम और आकाउंट संबंधित तथ्य पचारिबा आखि पिछुला के दिंती आकाउंट खाली यह साइबर ठक ग्यांग एवं अन्य राज्यर युवगोष्ठी को ट्रेनिंग दे विभिन्न सहरू ऑपरेट करथुवा बेले भुवनेश्वर को मध्य निजर बेस कैंप करथिबा सूचना मिली सेपटे राज्य पुलिस साइबर क्राइम उपरे अभिज्ञ होइन थिबारु बारंबार अपराध परे भी अपराधी को धरिबारे विफल बोली कहिसेंति वरिष्ठ आईनजीवी भुवनेश्वर जो अनुसार पॉपुलेशन बढ़ला से अनुसार पुलिस को मध्य बढ़िया कथा यार सुजोग नहीं कि आप देखिए जो सब अपराध साइबर क्राइम होटा कि इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अनुसार दंडनीय सेगुड़िकमती कल्पिटी अभियुक्त जिते चालाकी जिते से साइबर क्राइम कर सक्षम हो पुलिस से समय सक्षम नुहत आपड़ ए देखते भुवनेश्वर जो जिते थाना गुड़िक अच्छे पाखापाखी एगार थाना अच्छी कौन मैंने साइबर क्राइम उपर एक्सपर्ट नुहत आपड़ इवेन कि व्हाट्सअप कौन जापार ना ट्विटर कौन जापार ना साइबर केमती अपलोड होमती न्यूड पिक्चरटा भाइराल होपथ ट्रेनिंग केवल ना को ना ट्रेनिंग से ध्यान दे शुणुंट ना ट्रेनिंग विषय से किसी ज्ञान आहरण करु ट्रेनिंग आटेड कर सर्टिफिकेट पाइला से विभाग प्रमोशन दि जाऊँगी किसी भत्ता अधिका दि जा 2019 मसीह देश में 63% साइबर अपराध वृद्धि पाई बेले 2020 तथ्य कहूँ केवल ओडिशा रे 76% वृद्धि पाई यार भितर इतला परे भी प्राय 90% रु अधिक मामला रे अभियुक्त पाखरे पहुंची पारिनी पुलिस फलरे बैंक और साइबर थाना को धाई धाई नयंत होती अभियोगकारी भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन हेमंत रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज
ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଜାମ୍ମୁ ଉପରେ। ସୀମା ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଠାଇବା ସହିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାକ୍ ସେନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଜାମ୍ମୁରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୀମାରେ କରାଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର କରୁଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ କରୁଛି ଭାରତ। ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଜାମ୍ମୁ ଉପରେ। ସୀମା ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଠାଇବା ସହିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାକ୍ ସେନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଗତ 4 ମାସ ଭିତରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ କିଛି ଚାଇନା ତିଆରି ଡ୍ରୋନ୍ ଜବତ ହେବା ସହିତ 2 ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାମ୍ମୁର ସାମ୍ବା ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଠାବ କରିଥିଲେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ନିକଟରେ 22 ନଭେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାବ ହୋଇଛି 200 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 3 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭାରତ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନୋଗ୍ରୋଟାଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଚାଲ୍କୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଜାମ୍ମୁଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3,300 କିଲୋମିଟର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଟି ଟନେଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୀମାରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍, ଯାହା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ତା ସୀମାରେ ଥିବା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ କାଟିଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଠୁଳ କରି ରାତି ସମୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ DRDO, IIT, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାପଡ଼ିଠାରେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗମାଳି ଖଣି ଖନନ ନେଇ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜନଶୁଣାଣି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏବଂ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏଣୁ ଆଜି କଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ଖଣି ଖନନକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥଗିତ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ନିଭାର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଥିବା ଅବପାତ ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ନିଭାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପବନର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।